दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि बारिश में इंटरनेट स्लो क्यों हो जाता है, और एक गाना है कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की चाय। अरे भाई, जब बारिश होगी तो इंटरनेट चलाने में तो दिक्कत आएगी ना। बहरहाल आज हम ये जानेंगे कि बारिश के टाइम में हमें इंटरनेट चलाने में दिक्कत क्यों आती है, इंटरनेट स्लो क्यों हो जाता है, इसके पीछे इसका क्या साइंस है, और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि बिजली कड़कते टाइम हमें फ़ोन यूज़ करना चाहिए या नहीं। क्योंकि कई लोगों का मानना है कि बिजली कड़कते टाइम हमें फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, नहीं तो सिग्नल के माध्यम से बिजली फ़ोन पे गिर सकती है। तो आज हम इसका पूरा खुलासा करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बारिश में इंटरनेट स्लो क्यों हो जाता है। देखिए, होता क्या है कि जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो मोबाइल फ़ोन में क्या इस्तेमाल होता है, मोबाइल फ़ोन में रेडियो वेव्स इस्तेमाल होते हैं। जब आप मोबाइल में इंटरनेट यूज़ करते हैं या फिर कॉलिंग वगैरह करते हैं तो ये तभी कर पाते हैं जब आपके मोबाइल में नेटवर्क होता है। नेटवर्क आता है रेडियो वेव्स से। अब रेडियो वेव्स क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि ये रेडियो तरंगे होते हैं। आप घबराए नहीं, मैं आपको एकदम आसान करके समझाऊंगा जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, रेडियो वेव्स को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वेव्स वो तरीका है जिसके माध्यम से हम एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे आपके घर में डिश टीवी लगे होंगे, ऊपर में एंटीना लगा होगा यानी छतरी, और नीचे में सेट टॉप बॉक्स यानी रिसीवर। तो रेडियो वेव जो है उस एंटीना पे आके स्ट्राइक होती है, फिर वो एंटीना रेडियो वेव से उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर रिसीवर को देती है यानी रिसीवर को भेजती है। तब जाके रिसीवर जो है उस सिग्नल को रिसीव कर लेती है, तब आप टीवी पे कोई प्रोग्राम देख पाते हैं या फिर कोई भी चैनल देख पाते हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा है कि बारिश के टाइम में इंटरनेट स्लो क्यों हो जाता है। आपको अच्छे से पता होगा कि इंटरनेट चलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क चाहिए होता है, और नेटवर्क आता कहाँ से है, नियरेस्ट नेटवर्क टावर से, यानी हमारे घर के आसपास जो भी 2-4 किलोमीटर के रेंज में जो नेटवर्क टावर होते हैं वहाँ से नेटवर्क आता है, वहाँ से सिग्नल आता है। तो देखिए, सिग्नल जो है वो ऐसे ही नहीं आ जाता है। यहाँ नेटवर्क टावर हुआ, ठीक है, तो ये हमारा फ़ोन हुआ, आपको दिख रहा हो फ़ोन हुआ, तो सिग्नल डायरेक्टली नहीं आ जाता है हमारे फ़ोन तक, सिग्नल डायरेक्टली नहीं आता है। सिग्नल को लाने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है, मतलब रेडियो वेव्स के माध्यम से ही हमारे फ़ोन में सिग्नल आता है यानी नेटवर्क आता है। रेडियो वेव्स जो है वो हवा में रहती है, तो टावर से जो सिग्नल निकलती है वो रेडियो वेव्स के माध्यम से हमारे फ़ोन तक पहुंचती है, फिर हमारे फ़ोन में जो सिम कार्ड लगी होती है उस सिग्नल को रिसीव कर लेती है, तब जाके हमारे मोबाइल में नेटवर्क आता है, उसके बाद ही हम किसी को कॉल कर पाते हैं या फिर मैसेज करते हैं या फिर इंटरनेट वगैरह यूज़ कर पाते हैं। तो ये रेडियो वेव जो है वो ढोने का काम कर रही है। रेडियो वेव्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ठेला हो गया, ठेला पे कोई सामान ढोते हैं, या फिर MDH मसाले मैं एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि MDH का जो मसाले हैं वो फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट होते हैं फ्लाइट से। तो यहाँ पे फ्लाइट जो हुआ क्या चीज़ का काम किया, ढोने का काम किया। तो ठीक वैसे ही रेडियो वेव जो है वो ढोने का काम कर रही है। तो यहाँ पे क्या मतलब ढो रहा है, ये हमारा डेटा ढो रहा है। जैसा सिग्नल को ढोया, फिर हम इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे आप इंटरनेट पे जैसे मान लो आप यूट्यूब सर्च कर रहे हो या फिर कुछ भी, तो वो रेडियो वेव्स के माध्यम से ही आप सर्च कर पाते हैं। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमारे मोबाइल में जो नेटवर्क आता है, जो सिग्नल आता है, वो रेडियो वेव्स के माध्यम से आता है, फिर हमारे सिम में जो हमारे फ़ोन में जो सिम कार्ड लगी होती है उसे रिसीव कर लेती है, तब जाके मोबाइल में नेटवर्क आता है, फिर हम इंटरनेट वगैरह यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन असली मुद्दा तब होता है जब बारिश होने लगती है। बारिश होती है तो फिर इंटरनेट ठीक से काम नहीं करता है, कभी कभी तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि मन करता है मोबाइल पटक के फोड़ते हैं। खैर, हम ये जानेंगे कि बारिश में इंटरनेट स्लो क्यों होता है। यहाँ पे देखिए, ये रेन ड्रॉप्स हैं, बारिश, टावर हुआ, टावर से सिग्नल आया फ़ोन में रेडियो वेव्स के माध्यम से, तो ये बारिश की जो बूंदे है ना वो इंटरफेरेंस क्रिएट करती है, क्योंकि रेडियो वेव्स का जो फॉर्म्स है ना, रेडियो वेव्स, उस पर बारिश की बूंदे गिरती है तो उसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ जो होती है ना वो कमज़ोर हो जाती है, उसे ट्रैवल करने में परेशानी होती है, तो आपके पास उतना ज़्यादा सिग्नल नहीं पहुंच पाता जितना पहुंचना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक नदी है या फिर पोखर है, उसमें आप एक पत्थर फेंकते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि एक वेव बनता है, राउंड एंड राउंड बहुत दूर में बन जाता है। तो इमेजिन कीजिए कि जैसे ही आप पत्थर फेंकते हैं और वेव बन ही रहा है कि अचानक से बारिश होने लगती है, तो बारिश की जो बूंदे हैं वो वेव्स पे पड़ती है, पानी का जो वेव है उसमें पड़ती है, तो वो फिर क्लियर नहीं दिखता है, वो ख़त्म हो जाता है। क्यों?
क्योंकि वो राउंड एंड राउंड बन ही रहा होता है कि बारिश की वजह से वो नीचे दब जाता है और उतने ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है जितना बढ़ना चाहिए। ठीक वैसे ही यहाँ जो टावर है, टावर से जो सिग्नल आते हैं हमारे फ़ोन तक, तो सिग्नल रेडियो वेव्स की मदद से आते हैं। तो बारिश की जो बूंदे हैं वो बीच में इंटरफेरेंस क्रिएट कर रही है, यानी बारिश के बूंदे रेडियो वेव्स पे गिरती है तो डिस्टर्बेंस पैदा करती है, जिससे रेडियो वेव्स को ट्रैवल करने में परेशानी होती है। अब यहाँ देखिए, जैसे टावर से जो सिग्नल आ रही है हमारे फ़ोन तक रेडियो वेव्स के माध्यम से, जब बारिश की बूंदें रेडियो वेव्स पे गिरती है जिसकी वजह से इसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसी वजह से उतना ज़्यादा सिग्नल नहीं पहुँच पाता जितना पहुँचना चाहिए, बचे खुचे सिग्नल ही आपके फ़ोन तक पहुँच पाते हैं, इसी वजह से आपका इंटरनेट स्लो चलता है। अब आप खुद ही सोचिए ना कि बचे खुचे सिग्नल से आप कितना ज़्यादा इंटरनेट स्पीड चला पाएंगे, ज़्यादा तो चलेगा नहीं क्योंकि कुछ ही सिग्नल्स हैं। अब इंसान को ही देख लीजिए, जैसे इंसान को कहीं जाना होता है तो वो क्या करता है कि बाइक स्टार्ट करता है और फुर्र चला जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बारिश के पानी से पूरा रोड भरा हुआ है, पूरा घुटने तक पानी है, तो क्या वो ऐसे में वो स्पीड में बाइक चला सकता है? नहीं चला सकता है। क्या वो खुद स्पीड से दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता है। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्या हो रही है? पानी, यानी दिक्कत क्या आ रही है? पानी की वजह से वो स्पीड में नहीं जा सकता है, उसे एकदम धीरे धीरे जाना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही बारिश के बूंदों की वजह से रेडियो वेव्स को ट्रेवल करने में परेशानी होती है। फर्क बस इतना है कि हम लोग ज़मीन पर चलते हैं और रेडियो वेव्स को हवा में ट्रेवल करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों एक और कारण हो सकता है कि जब बारिश हो रही होती है तो सब लोग अपने अपने घर में रहते हैं, तो फिर जब बोर होने लगते हैं जिसकी वजह से फिर इंटरनेट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जब इंटरनेट यूज़ करना सब शुरू कर देते हैं तो सर्वर पे लोड पड़ता है जिसकी वजह से भी इंटरनेट स्लो चलता है। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब बारिश नहीं हो रही है फिर भी शाम को इंटरनेट स्लो क्यों चलता है? क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक आने की वजह से इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है। यही कारण से, क्योंकि सर्वर पे ज़्यादा लोड पड़ता है इसी वजह से इंटरनेट स्लो चलता है। इसके अलावा दोस्तों मॉइस्चर्स या फिर ठंडी के टाइम में जो कुहासा लगता है, ओस गिरता है, जिसकी वजह से भी रेडियो वेव्स को ट्रैवल करने में परेशानी होती है, तो इस वजह से भी इंटरनेट स्लो चलता है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब आप टीवी देख रहे होते हैं और अचानक से बारिश होने लगती है तो कभी नो सिग्नल दिख देता है और ये कहा जाता है कि बादल हटने तक इंतज़ार करें। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो डिश टीवी है वो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है, वो सैटेलाइट से काम करता है, तो बीच में बादल आ जाने की वजह से सिग्नल नहीं मिल पाता है, इसी वजह से नो सिग्नल दिखता है और बोलता है कि बादल हटने तक इंतज़ार करें। और जब बादल हट जाता है फिर टीवी चालू हो जाता है, यानी आप प्रोग्राम देख पाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि बिजली कड़कते टाइम हमें फ़ोन यूज़ करना चाहिए या नहीं। क्या उस टाइम फ़ोन यूज़ करने से बिजली फ़ोन पे गिर सकती है? क्या उस टाइम फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ़ोन स्विच ऑफ कर लेना चाहिए और बहुत सारे लोग करते भी हैं। क्या आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेते हैं? ऑनेस्टली कमेंट करना, जब बिजली कड़कती है तो क्या आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं या नहीं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मैं सच बोलूं और एक लाइन में बोलूं तो ये सब बकवास की बातें हैं। पता नहीं ये लोग कहां से ये चीज़ ले आते हैं कि बिजली कड़कते टाइम फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। ये मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं खुद से, जबकि साइंस ऐसा कुछ भी नहीं कहते कि बिजली कड़कते टाइम अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये धारणा है कि जैसे बिजली कड़कते टाइम फ़ोन इसलिए बंद कर लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि सिग्नल के माध्यम से हमारे फ़ोन पर बिजली गिर जाए। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा फ़ोन हुआ, ठीक है, तो बात करें तो सिग्नल के माध्यम से आई और बिजली इस पर गिर गई, बट ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब फेक बातें हैं। मैं आपको बता दूं तो पहले क्या होता था कि जैसे टेलीफोन हुआ करते थे तो उसमें वायर लगे रहते थे और खंबे के साथ पूरा वायर मतलब ऊपर में गवर आता था, तो उस समय ज़्यादा संभावनाएं थी कि बिजली खंबे पे गिर सकती है। बट इस फ़ोन में कुछ लगा हुआ है वायर कुछ एंटीना तार वार कुछ भी लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे थोड़ी ना आके गिर जाएगी। हाँ, ये बात सही है कि फ़ोन में मेटल पाए जाते हैं और बिजली जो है वो मेटल को अट्रैक्ट करती है, बट फ़ोन में कितना मेटल होता है? इतने ज़्यादा मेटल नहीं होते हैं कि बिजली उसे अटैक कर ले और फ़ोन पे आके गिर जाए। सो आप ये सब चीज़ों को अवॉइड करें और आप इंटरनेट का मज़ा लें, जैसे मैं लेता हूँ। बिजली कड़कता भी रहता है फिर भी मैं इंटरनेट यूज़ करता हूँ, वो भी बिंदास। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि बारिश के मौसम में इंटरनेट स्लो क्यों हो जाता है और बिजली कड़कते टाइम फ़ोन को यूज़ करना चाहिए या नहीं। अगर अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं जल्द से जल्द उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।